पेज मेकर में किसी भी पब्लिकेशन को कैसे हम लोग सेव करते हैं, तो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ पे जो भी हम लोग बनाते हैं उसको हम लोग पब्लिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, टेक्स्ट लिखा हुआ है प्लस कुछ फोटो, यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स हैं। अब इस पेज को मुझे क्या करना है, सेव करना है। तो सेव करने का सिंपल पहला तरीका देखिए, यहाँ फाइल मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे सेव है, सेव पे क्लिक करेंगे। अब सेव का देखिए, यहाँ पे सेव पब्लिकेशन बोल के देख सकते लिखा हुआ आ रहा पब्लिकेशन। अब इसे सेव करना है मुझे, तो किस जगह सेव करना है, तो सेव इन का जो बॉक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ से एक फोल्डर आपको चूज़ करना होता है। तो जिस जगह भी आपको सेव करना है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिए एक फोल्डर बना हुआ है पेज मेकर फाइल नाम से, इस पर क्लिक करेंगे। अब जितने भी देखिए यहाँ पे, ये पहले से मैंने पेज मेकर में कुछ बना के रखे हैं, प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे सेव किया हुआ। अब यहाँ पे देखिए फाइल नेम के जगह यहाँ पे आ रहा देखिए अनटाइटल बोल के आ रहा। अब जिस नाम से आपको फाइल को सेव करना है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं कर देता हूँ ट्यूटोरियल नाम दे देता हूँ, ठीक है, दे दिया। अब यहाँ पे सेव एज टाइप, तो यहाँ पे देखिए कहीं भी जेपीजी फॉर्मेट में नहीं है। और मैं आपको एक और तरीका बताऊँगा जिसमें आप पीडीएफ में भी सेव कर पाइएगा। तो यहाँ पे आपको पब्लिकेशन चूज़ कर लेना है, अदरवाइज नहीं तो यहाँ पे टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं। जो लोअर वर्सन है 6.5, जो पुराना वाला वर्सन है पेज मेकर का, ये फॉर्मेट आप चूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से पब्लिकेशन चूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं इसको सेव। तो देखिए सेव हो गया। अब यहाँ पे आप देखें ध्यान से, देखिए ऊपर में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वो पाथ शो कर रहा है ऊपर में, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए .pmd, तो जो भी कुछ हम लोग सेव करते हैं पेज मेकर में तो उसका एक्सटेंशन नेम जो होता है .pmd, मतलब वो पेज मेकर का फाइल है। तो ये तो हो गया, सेव हो गया। चलिए अब मान लेते इसे हम लोग PDF में सेव करना है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए फाइल में जाएंगे और यहाँ पे देखिए अब नीचे ऑप्शंस, यहाँ पे दिया हुआ देखिए नीचे प्रिंट बोल के ऑप्शन है, यहाँ प्रिंट वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करते हैं। करने के बाद देखिए प्रिंट डॉक्यूमेंट नाम का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है। अगर आपको यहाँ पे PDF में सेव करना है तो देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF दिया हुआ देख सकते हैं, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। अब कहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन से यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, देखिए सेटअप है, ऑप्शन है, कलर है, ये शो कर रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं प्रिंट पे क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक किया, अब क्या है देखिए स्टार्टिंग प्रिंट, तो यहाँ प्रिंटर तो है नहीं। अब यहाँ पे देखिए आप सेव प्रिंट आउटपुट एज, अब जो प्रिंट हम लोग जो ये किया है ऑप्शन हम लोगों ने क्लिक किया, अब यहाँ पे देखिए सेव एज टाइप दिया PDF लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। अब कहाँ पे इसे मुझे PDF फॉर्मेट में सेव करना है, तो यहाँ से मैंने डेस्कटॉप अगर मैं चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके हम लोग करते हैं पेज मेकर, चूज़ करते हैं फोल्डर जिसमें मैं सेव करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं चूज़ करता हूँ पेज मेकर, देखिए पेज मेकर नाम का फोल्डर आ गया, इसको क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए एक नाम दे देता हूँ ट्यूटोरियल 1 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे नाम दे दिया PDF, इसको सेव पे क्लिक कर देते हैं। अब क्या हुआ, ये PDF फॉर्मेट में ये जो मेरा पब्लिकेशन में ये देखिए सेव हो रहा, देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा समय लगेगा, मैं साथ में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, हो चुका है देख सकते हैं। अब ये जो पेज मेकर खुला हुआ है एप्लीकेशन, इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज़ करता हूँ और यहाँ पे देखते हैं वो सेव हुआ है कि नहीं। तो देखिए डेस्कटॉप पर दिखाई दे रहा है पेज मेकर फाइल नाम का फोल्डर है, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर इसको मैं मैक्सिमाइज़ करता हूँ तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे फाइल आपको यहाँ पे दिख रहा है, सब देखिए पेज मेकर के फाइल है देख सकते हैं। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ पे ट्यूटोरियल देख सकते हैं, यहाँ पे ट्यूटोरियल 1 नाम से जो PDF फॉर्मेट में देख सकते हैं। अब इसे चाहें तो आप इसे खोल भी सकते हैं। दूसरा एक देखिए यहाँ पे ट्यूटोरियल नाम से और बना हुआ, देखिए यहाँ पे ट्यूटोरियल नाम से बना हुआ है जो ऑलरेडी जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सेव किया हुआ था, देखिए .pmd दिख रहा है। तो इस तरह से आप पेज मेकर के अंदर किसी भी पब्लिकेशन को आप सेव कर सकते हैं PDF में प्लस पब्लिकेशन .pmd फॉर्मेट में। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और भी कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।